एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्वि ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण की गणना करती है। मान एक समान विद्युत क्षेत्र है और उस एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, एक द्वि ध्रुव रखा हुआ है, विद्युत द्वि ध्रुव हम जिसे कहते हैं। अब उस पर बल युग्म का आघूर्ण कितना काम कर रहा है, हम उस आघूर्ण को समझना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आवश्यकता किसकी है, एक समान विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल ई से। और जो विद्युत क्षेत्र होता है ये कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। ये जो आपको तीन रेखाएं बताई गई हैं एक दूसरे के समानांतर हैं, ये किसको प्रदर्शित कर रही हैं, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। चलिए ये बना लेते हैं अपन एक विद्युत द्विध्रुव, ये अपना एक विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। इस विद्युत द्विध्रुव को हम मान लेते हैं बिंदु ए और बिंदु बी से बना हुआ, और यहाँ पे आप देखेंगे दोनों के बीच की यदि हम दूरी लिखेंगे तो कितनी होती है, 2a। माने a और b के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। इसके इस सिरे पर बल कार्य करेगा, ये qb बल कार्य करेगा, qb वहाँ पे mb कर रहा था, यहाँ पे कौन सा बल काम करेगा, qb, qb, b नहीं e, b की जगह क्या आएगा e, qe वहाँ पर mb वहाँ पे यानी चुंबक में। तो यहाँ पे हम इसको बल को लिखेंगे तो बल क्या हो जाएगा, क्यू ई। यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, क्यू ई। ये क्या कर रहा है, आपका बल काम कर रहा है। अब इसको हम थीटा कोण से यहाँ पर रखे हैं, छेद से थीटा कोण पर ये रखा हुआ है। अब इसको यहाँ पर आप मिला देंगे और इस वाले बिंदु को हम एक नाम दे देते हैं सी। ये आपका 90 डिग्री का क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें परिभाषा, चित्र से ही पूरी परिभाषा बननी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, जो वही है धन क्यू ऋण क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पे यदि हमें लिखना हो तो यहाँ पर ऋण क्यू हो जाएगा और ये अपना क्या हो जाएगा, धन क्यू। और ऋण क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2a होती है। यह विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, इसके दोनों सिरों पर QE बल कार्य करता है जो बराबर और विपरीत दिशा में होता है। दिशा विपरीत होने के कारण ये बल द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समानांतर लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। इसे हम क्या कहते हैं, बल युग्म का आघूर्ण, और प्रयास करता है, इस कारण से हम प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। और प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण को यदि देखा जाए तो किससे प्रदर्शित किया जाता है, टाउ से। और प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, एक बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, एक बल और गुणा में क्या हो जाएगा, बलों के बीच की कौन सी दूरी हो जाएगी, लंबवत दूरी हो जाएगी। मान रख दें आप टाउ का टाउ हो गया एक बल, यानी क्या लिख दिया अपन ने, क्यू ई गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी को यदि आप देखेंगे तो ए सी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे फिर, ए सी, समीकरण नंबर एक। अब हमें किसके मान की आवश्यकता है, ए सी। पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से कि साइन थीटा ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि मान हमें किसका चाहिए, लंब का यानी एसी का चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब लगाएंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा बराबर, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब यदि हम देखेंगे डायग्राम में, लंब क्या हो जाएगा, ए सी, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। तो अब यहाँ पे हम मान रख देंगे ए सी बटे ए बी, ए बी का पक्षांतर क्या बचा, ए सी, बराबर में क्या बचा, ए बी, और यहाँ पर साइन थीटा। अब ए बी यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे,
टू ए लिख देंगे, ए बी का मान कितना हो जाएगा टू ए, तो ए सी बराबर क्या हो गया टू ए, और ये अपना साइन थीटा का साइन थीटा, ए सी का मान अब हम कहाँ पे रख देंगे समीकरण एक में रखने पर, थोड़ा समीकरण एक देख लो, ये टाउ बराबर क्यू ई गुणे ए सी, ए सी का मान निकाल चुके ना, तो यहाँ पे ए सी का आप मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो टाउ बराबर क्यू ई गुणे ए सी का मान क्या निकला अपना, ये निकला टू ए साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे टू ए इनटू में क्या हो जाएगा साइन थीटा, व्यवस्थित करके लिखेंगे तो टाउ बराबर, इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे तो क्यू गुणे टू ए, और बाकी का क्या बचा e, और यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा, इसकी जगह क्या लिखना है कैपिटल P, यानी द्विध्रुव आघूर्ण मान रख देंगे, तो टाउ बराबर P और ये e और ये साइन थीटा, ये क्या निकला है अपना बल युग्म का आघूर्ण, कहाँ पर जब हम एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रख रहे थे, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया बल युग्म का आघूर्ण। अब हमें क्या करना है, अब हमें उस विद्युत द्विध्रुव को अल्पकोण घुमाना है, अल्पकोण घुमाएंगे, फिर अल्पकोण घुमाएंगे तो कुछ कार्य करेंगे, तो किया गया कार्य निकालेंगे, डायग्राम हमारा वही रहेगा, अब हम गणना किसकी करने जा रहे हैं इसमें किए गए कार्य की, तो किए गए कार्य की गणना करने के लिए थोड़ा डायग्राम की ओर चले, यहाँ पे चित्र को आप देखेंगे, भाषा लिखेंगे, यानी यहाँ से अगले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, हम एक साथ देख लेते हैं तीनों को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक विद्युत द्विध्रुव ए बी रखा है जो धन क्यू और ऋण क्यू आवेशों से मिलकर के बना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है टू ए है, यह छेद से थीटा कोण बनाते हुए इसको क्या किया गया है रखा गया है, अब इस द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, यानी हम फिर क्या करेंगे बल युग्म के आघूर्ण के सूत्र का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टाउ बराबर क्या हो जाएगा पी ई साइन थीटा समीकरण नंबर एक, माने थीटा कोण से रखा हुआ है, अब थीटा कोण से रखा होने के कारण ही उस पर बल युग्म का आघूर्ण लगता है, अब हमें क्या करना है इसको अल्पकोण घुमाना है, अल्पकोण यानी डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, तो फिर सूत्र लगेगा अपना कार बराबर यहाँ पे हो जाएगा बल युग्म गुणे क्या हो जाएगा विस्थापन, तो यहाँ पर जब हम अल्प कोण घुमाएंगे तो क्या करेंगे अल्प कार्य करेंगे, तो कार्य का क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर बल युग्म यानी टाउ विस्थापन यानी डी थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट से सेकंड में टाउ का मान पुट कर देंगे, डी डब्ल्यू बराबर टाउ का मान यानी पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा समीकरण नंबर तीन, इतना हो गया, अब वही समाकलन वाली बात आ गई, कौन सी बात आ गई समाकलन वाली, अब द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य निकालना, पहले स्थिति कितनी है जीरो, फिर कितना घुमा रहे हैं थीटा, तो समाकलन जीरो से थीटा की ओर लेंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि जो द्विध्रुव है द्विध्रुव को हम कितना कोण घुमाने में थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे, तो फिर समीकरण तीन का समाकलन लेंगे, समाकल का चिन्ह डी डब्ल्यू बराबर समाकल का चिन्ह कितना घुमा रहे हैं जीरो से थीटा घुमा रहे हैं, बायोलॉजी भैया जीरो से थीटा कोण घुमा रहे हैं, ठीक है, माने पहले उसकी स्थिति क्या थी जीरो थी, अब हम उसको उससे थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो जीरो से कहाँ तक लेंगे समाकलन थीटा तक लेंगे, बाकी का ये पूरा उतार देंगे पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा,
इसके पश्चात यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसका समाकलन क्या हो जाएगा W, इसमें से PE को बाहर निकाल लेंगे, समाकल 0 से थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। आगे का आपको कुछ याद है, कुछ याद है, W बराबर PE साइन थीटा इंटू डी थीटा का माइनस कॉस थीटा, नीचे जीरो का जीरो और ऊपर थीटा का थीटा। अब हमें क्या करना है, समाकलन को लेना, खतरे का निशान लाल रंग, यहाँ पे हम लिखेंगे W बराबर PE माइनस कॉस, ये थीटा नहीं ये थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे थीटा, ये माइनस कहाँ का, सूत्र का आ गया, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के कॉस, और फिर क्या लिखेंगे कॉस के बाद ये नीचे वाला जीरो, और ये अपना कोष्टक चलेगा बड़ा वाला। इसके पश्चात W का W, PE का PE, माइनस कॉस थीटा का माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो का मान एक और कॉस 90 का मान जीरो, तो यहाँ पे कॉस जीरो का मान एक होता है, मान रख देंगे W बराबर क्या हो जाएगा PE, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा एक। अब इसको हम व्यवस्थित करके लिख देंगे तो W बराबर हो जाएगा PE, यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस के कॉस थीटा, यानी ये हो गया हमारे द्वारा किया गया कार्य। जब हमने द्विध्रुव को अल्पकोण घुमाया तो हमें इतना कार्य करना पड़ा। अब हमें उसी में गणना किसकी करनी है, अब हमें गणना करनी है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा की गणना करते हैं तो वहाँ पे आपने देखी थी हम कौन सी स्थिति से कौन सी स्थिति तक आते हैं, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, किसके अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा में। तो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में उसकी मानक स्थिति यानी 90 डिग्री से, मानक स्थिति यानी 90 डिग्री यानी π/2 मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति यानी थीटा तक घुमाने में किए गए कार्य के बराबर क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ये तो हो जाती है अपनी डेफिनेशन। फिर वही पुरानी बात, माना एक समान विद्युत क्षेत्र, डायग्राम को देख देख के बोल रहे हमें दिख रहा है, समझ जाओ ठीक है, अब तुम्हें भी देखेगा। माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक विद्युत द्विध्रुव ए बी रखा है जो धन क्यू और ऋण क्यू आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, यह है क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, इस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना लगेगा, इतना लगेगा टाऊ बराबर PE साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो यहाँ पर सूत्र लगाया कार्य बराबर बल युग्म गुणे विस्थापन, सीधा मान पुट कर देते हैं या फिर सूत्र लिख दो, कार्य बराबर बल युग्म माने बलों का जोड़ा गुणे क्या हो गया विस्थापन, माने जितना अपन उसको घुमाएंगे, तो अल्पकाल करेंगे यानी dW हो जाएगा, बल युग्म का टाउ हो जाएगा, और विस्थापन यानी डी थीटा हो जाएगा, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका मान लिया गया टाउ का, समीकरण 1 से 2 में क्या कह देंगे मान रख देंगे, तो हो गया dW बराबर टाउ का मान PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, अब हमें द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक ले जाना है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे द्विध्रुव जो हमारा है
उस द्विध्रुव को हम मानक स्थिति से कहाँ तक ले गए, वर्तमान स्थिति तक ले गए। मानक स्थिति माने अभी जो है 90 डिग्री, चित्र में आपको कोण दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो समाकलन कहाँ से लिया जाएगा, 90 से थीटा तक। समीकरण 3 का समाकलन लेते हैं, यहाँ पे समाकल का चिन्ह, ये क्या हो गया, डी डब्ल्यू बराबर समाकल 90 से, बायोलॉजी भैया 90 से थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसके पश्चात अब हमें इसको सॉल्व करना है, डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू हो जाएगा, इसमें से पी ई को बाहर निकाल लेंगे, ये 90 से कहाँ तक जा रहे हैं, थीटा तक, अंदर क्या बचा हुआ है, साइन थीटा इंटू डी थीटा बचा हुआ है। अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, डब्ल्यू बराबर पी ई हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, कहाँ से 90 से थीटा तक। इसके पश्चात आगे हम क्या करेंगे, W बराबर पी ई, ये हो गया माइनस कॉस, ये वाला नहीं ये वाला, तो यहाँ पे क्या हो गया थीटा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस सूत्र का फिर माइनस कॉस, और ये क्या हो जाएंगे आपके 90 हो जाएंगे। अगले स्टेप में माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये बीच में लक्ष्मण रेखा पहले से आ गई। तो W बराबर पी ई, ये हो गया माइनस के कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो गया आपका कॉस 90, कॉस 90 का मान जीरो, कॉस 90 का मान जीरो, तो मान रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा W बराबर पी ई, ये हो गया माइनस के कॉस थीटा, जीरो लिखने की जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको व्यवस्थित करके लिख देते हैं, यानी डब्ल्यू बराबर माइनस के पी ई कॉस थीटा। ये तो हमारे द्वारा जो कार्य किया गया था वो निकला है। कार्य बराबर क्या होती है, ऊर्जा, यहाँ पे आप लिखेंगे कार्य बराबर ऊर्जा, कार्य बराबर कार्य बराबर, कार्य बराबर चलावे वाली कार्य, कार्य करने वाला कार्य। तो W बराबर क्या लिख देंगे, U, तो U बराबर माइनस के क्या होगा, पी ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, यानी क्या निकल आई, स्थितिज ऊर्जा। जब हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को उसकी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाया।